कहाँ के रहने वाली हो अम्मा, ये बताओ? रहने वाले नहीं गए हैं। अच्छा ये बताओ आपकी उम्र कितनी है अम्मा? का पता बेटा, उम्र होगी करीबन 90 साल तो होगी। हाँ जो तो खैर हो, ये नादी पोता पंती देखी ले हमने। तो आप ये बताओ, ये रोड पे क्यों बैठे हो आप, यहाँ सोते क्यों सोते हो? क्या करो बेटा, मकान है तो सब टूटा दो, हमें मार के निकाल, 10 साल हो गई हमें तो, 10 साल हो गई। तो 10 साल से आप रोड पे सोती हैं, यहीं रहती हैं 10 साल से? नहीं, कहीं कहीं रह रही, कहीं कहीं रह रही। तो आपके नाती पोते आपके बच्चे आपको लेके नहीं जाते? जब मार के निकाल दो घर में तो बेटा मकान का सब गिराए दो। किसने मार के गिराया, किसने मार के भगाया आपको? लड़का बहू ने। लड़के और बहू ने? कितने कितने बच्चे हैं अम्मा? 2 लड़की हैं, 3 लड़का है। तो 3 लड़के हैं आपके, और 3 लड़के होने के बाद भी आप यहाँ रोड पे सो रही हैं? तो क्या करें बेटा, क्या करें भाई, बताओ आप पहले। अच्छा खाने पीने की दिक्कत यहाँ, खाने की कैसे करते हो, कौन कौन देता है खाना? कुछ दे दे, तो दिक्कत कोई नहीं हमें। आपको आपके घर पहुँचवा दें? घर दे आई नहीं, गिराए दो घर, घर में कहाँ रह जाएगा। नहीं, आपको आपके बच्चे बच्चों के पास भिजवा दें? नाम क्या अम्मा, नाम बच्चों के नाम बताओ। बल्लू नाम है छोटे को, और बड़े को नाम शकील अहमद। शकील अहमद, और मंझले वाले को शमीम। अच्छा शमीम, शकील और बुल्लू। आज मदर्स डे है, आज यानी कि माओ का दिन है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भी एक माँ है, ये भी एक किसी की जन्नत है, और यहाँ पे इस हालात में यहाँ बैठी हुई है, और करीबन इनकी उम्र 90+ है, 90+ इनकी उम्र है, और 90+ की उम्र में बच्चों को इनकी मदद, इनकी हेल्प करनी चाहिए थी, ये रोड पे दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अच्छा तुम्हारे बच्चों से बात करते हैं, तुम्हें भिजवाते हैं तुम्हारे घर पे? हम नहीं जाए। बताओ कहाँ ही नहीं जाओगे आप, डर लगता है जाने में? डर लगे जुम्मा तो मकान गिराए दो, कौन रहे? अच्छा यहाँ किसी आपको किसी घर वर में ठिकवा दें? ठिकवा दिए हैं कुछ, जो सरकार ने बनाए हुए हैं आश्रम बनाए हुए वहाँ आश्रम। तो किराए वराए पे दिला दे कोई कमरा उमरा आपको? किराया हम कहाँ से दिए बेटा, किराया हम देंगे तुम्हारा। खाने के लिए क्या क्या चीज़ है आपके पास में? खाने चीज हमें नहीं मिल जाए, खाए बोले देखो कितनी रोटी दारी है, आज याद खाने को हमें ये सब दे दिए। तो कितने टाइम से ये अम्मा है यहाँ पे? पहले तो काफ़ी टाइम तो हमारे रह गए जी सामने, फिर इधर इतने तो पाँच सूझ गए थे, ये चलो ही नहीं जा सकते, अब तो पटक गए, ये लगाए दवाई दे रही, खाने को दे रही बेचारी। अम्मा तुम्हें किराए पे कमरा दिला दें? ना भाई यही है सब ही बने। सुनो हम 1 साल का किराया भर देंगे आपका। रोड पे मत रहिए, रोड पे अभी सर्दी भी आएगी, गर्मी भी है, अभी बरसात हो रही है, बहुत तेज आंधी चल रही है, हम आपका 1 साल का किराया एडवांस दे देंगे। बहुत अफसोस की बात है कि लोग सेल्फी डाल रहे हैं अपनी माँ के साथ में, अच्छी बात है सेल्फी डालनी चाहिए, लेकिन एक माँ ऐसी भी है जो रोड पे बेसहारा इसी इंतजार में है कि कब बच्चे इनको आके ले जाएं। कुछ बोलते हैं कि माँ नहीं रहती अपने घर पे, लेकिन माँ 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 होती है चाहे वो कैसी भी हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन माँ को मैं कमरा दिलाऊँ, और 1 साल का किराया मैं एडवांस दूंगा, और इनका खाने का भी इंतज़ाम करूंगा, और हमसे जो मदद होगी हम करेंगे, लेकिन बस मैं समाज में यही एक चेहरा दिखाना चाहता हूं कि ऐसी भी समाज है कि जो अपनी जन्नत को रोड पर धक्के खाने के लिए छोड़ रहे हैं। देखा अपने उम्र की इस पड़ाव में करीबन 90 साल की उम्र में ये हमारी माँ रोड पर रह रही है, रोड पर खाती है, और सर्दी भी है बरसात भी है, और जिस दिन हम भी वीडियो बना रहे हैं आज वुमेन डे, आज मदर डे है, और मदर डे के साथ साथ मौसम देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब मौसम है, आंधी तूफान यहाँ पर चल रही है, लेकिन हमारी ये माँ आज भी इसी रोड पर पड़ी हुई है, और हमने कोशिश की है कि इनको हम इनको घर दिलाए, किराए का घर दिलाए, उसका इंशाल्लाह मैं पूरा किराया मैं दूंगा, लेकिन एक अफसोस की बात है कि बच्चे होने के बाद भी अगर माँ रोड पर रह रही है तो हमारे लिए डूब मरने की बात है, और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने अपने माँ बाप की कदर नहीं की उसके लिए ये ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। हम याद रखें ये ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, भाई अपनी माँ को लेके जाइए,
आपकी माँ आपकी जन्नत है, माफ़ी मांगे और इनको अपने घर पर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।